नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुत्व में आपका हार्दिक स्वागत है। बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ और नॉलेज से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए। आज के एपिसोड में हम जानेंगे बुरे संकेतों के बारे में। भगवान ही है जो कभी भी हमारा बुरा नहीं होने दे सकते। हमारे भले के लिए भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं और हम कैसे इन इशारों को समझ पाए, इसके लिए देखें आगे ये वीडियो। सबसे पहले हमें भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ईश्वर ने हमें सच्ची आस्था का ध्यान रखकर ही चुनौतियां दी हैं। ईश्वर सभी की रक्षा करता है। बुरा वक्त आने से पहले भगवान के दिए हुए कुछ संकेत इस प्रकार हैं। अगर कोई सुहागन स्त्री जब अपनी मांग भर रही हो और उसी वक्त उसकी सिंदूर की डिब्बी गिर जाए तो यह संकेत है कि उसके पति के कारोबार में या जीवन में संकट आने वाला है। अशुभता का संकेत यह भी है जब दूध फट जाए। रोजमर्रा में दूध नहीं फटता और किसी दिन फट जाए तो वह भी भगवान का एक संदेश ही है कि घर में कलेश होने वाला है या किसी बीमारी का आगमन होने वाला है। कई दिन से लगातार बुरे सपने का आना तो यह भी संकेत होता है बुरे वक्त का। यह आपके अंदर अशांति बनाए रखता है और तनाव में रखता है। आपके घर में कोई पालतू बिल्ली हो या आपके घर के आसपास कोई बिल्ली हो तो वह अगर अजीब से और डरावनी आवाज निकाल रही है तो दोस्तों समझ जाइएगा कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इससे आपके घरों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहती है और इससे जीवन में कोई संकट आ रहा है। शादीशुदा स्त्री का मंगलसूत्र अगर टूट जाए तो ऐसे में समझ लेना चाहिए भगवान का यह संदेश है कि पति के जीवन में संकट आ रहा है और ऐसे में स्त्री को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। काम से घर लौटते वक्त अगर आप कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने पर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो समझ जाइएगा इस संकेत को आपके घर के लिए यह सही नहीं है और इससे आपके रिश्तों में करवाहट आ सकती है। खाना खाते समय पहले निवाले में ही अगर आपको कुछ कड़वा सा महसूस हो तो समझ जाइए कि आपका बनता हुआ कोई रिश्ता या पुराना रिश्ता बिगड़ सकता है। पूजन थाल का गिर जाने का संकेत है कि देव आपसे नाराज हैं। देव आपकी पूजा से खुश नहीं है, इसलिए उसमें सुधार लाएं। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हमारी YouTube चैनल को। शुक्रिया।